आज हमारे यहां चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, ये लोग कोई विकास की बात नहीं करते। हमने क्या किया ये नहीं कहते, हम क्या करेंगे ये नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा जीवन भ्रष्टाचार से लिप्त है। कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया, अपने परिवार के आगे ये सोच नहीं पाए। और इसलिए ये लोग, इनका भाषण आप सुनिए, जहां एक और दुनिया में मोदी जी की वाहवाही होती है, वहां ये अपने भाषण की शुरुआत मोदी जी को गाली देकर करते हैं, फिर और गाली देते हैं, फिर और गाली देते हैं, फिर और गाली देते हैं, फिर ट्रैक चेंज करते हैं, एकनाथ शिंदे जी को गाली देते हैं, फिर दो गाली और मोदी जी को देते, फिर ट्रैक चेंज करते, मुझे दो गाली देते, फिर ट्रैक चेंज करते, फिर वापस मोदी जी को गाली देते, और गाली देते देते ये अपना भाषण समाप्त करते हैं। इनके भाषणों में गाली के सिवा कुछ नहीं। अरे इनको पूछो, आप देश का चुनाव लड़ रहे हो, ये दिल्ली का चुनाव है, गली का चुनाव थोड़ी है। अरे बताओ लोगों के लिए क्या करने वाले हो, आपका कार्यक्रम क्या है, गरीबी निर्मूलन कैसे करोगे, कारीगरों को किस प्रकार से काम दोगे, आम आदमी का कैसे भला करोगे, आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव लाओगे, हमारे युवाओं को कैसे रोजगार दोगे, इसमें से एक भी चीज ये बोलते नहीं है, बोल सकते नहीं है। ये केवल मोदी जी को कोस कोस कर अपनी राजनीति चला रहे। और आज जब इनके ध्यान में आया कि मोदी जी को कोसने के बावजूद हमको वोट नहीं मिलने वाले, तो इन्होंने जाति धर्म की लड़ाई चालू कर दी।